अकाउंट क्रिएशन और पेमेंट मेथड को एंटर करने के बाद अब अगली चीज़ है कि मैं इंटरफेस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली गौर से देखें कि, कि किस बटन से क्या होता है और कौन कौन सी मोस्ट कॉमन ऑप्शन एंड फंक्शन हैं जिसको आपने यूज़ करना है तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि गूगल एडवर्ड्स का इंटरफेस क्या बताता है कौन कौन सी उस पर ऑप्शन हैं और किस तरीके से हम उन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करने के बाद आपके सामने मोस्ट प्रॉबली इस तरह का ही एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा हो सकता है कि अगर आप ये ट्रेनिंग कुछ अर्से के बाद ले रहे हैं और एडवर्ड्स ने अपने इंटरफेस को चेंज कर दिया है तो कुछ इंटरफेस के अंदर चीज़ें आपके सामने चेंज आएंगी अदरवाइज़ योर इंटरफेस विल लुक लाइक दिस अब इंटरफेस पे बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले गूगल आपको कैंपेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके अंदर राइट साइड के अंदर आप ओवरव्यू के नीचे देखें तो क्लिक्स और इंप्रेशन की डिटेल्स आ रही हैं एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है और टोटल कॉस्ट जो आपकी कैंपेन की है उसकी इंफॉमेशन यहाँ होगी जब आप एक कैंपेन रन करेंगे लेकिन अभी चूंकि हमारी कोई कैंपेन रन नहीं हो रही इस अकाउंट से इस वजह से यहाँ कोई भी डाटा अपीयर नहीं हो रहा राइट साइड कॉर्नर में अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम आ रही है कि जिसपे क्लिक करने के बाद वी कैन सेलेक्ट कि हम कितनी देर का या कितने अर्से का डाटा यहाँ इस डैशबोर्ड पर अपीयर करवाना चाहते हैं इधर आप पर मंथ भी देख सकते हैं अपटिल स्पेसिफिक डेट भी जा सकते हैं या आप लाइफ टाइम डाटा भी जो है वो व्यू कर सकते हैं यहाँ से बाइ सेलेक्टिंग ए राइट ऑप्शन जब आप डिफरेंट कैम्पेन्स रन करें तो यू कैन एक्चुअली कंपेयर डिफरेंट कैम्पेन्स इन दैट पर्टिकुलर डेट हो सकता है तेरह मई को आपने पांच डिफरेंट कैम्पेन्स रन की और तमाम पांच कैंपेन्स का डाटा आप देखना चाह रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन कंपेयर बटन और गूगल एडवर्ड्स आपको वो तमाम कैम्पेन् जो है वो कंपेयर करके दे देगा अभी चूँकि हमारी कोई कैंपेन नहीं है इस वजह से कंपेयर का जो बटन है वो इस टाइम नॉन एक्टिव है अब इसके बाद लेफ्ट साइड पे देखते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओवरव्यू के नीचे कैंपेन्स की डिटेल आ रही हैं जब आप कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो तमाम हैं जो आपने रन की हैं इन द पास्ट वो यहाँ सारी अपीयर हो रही होंगी उसके बाद कैंपेन के नीचे सेटिंग्स का बटन है ये सेटिंग्स भी कैंपेन रिलेटेड है इधर उन कैंपेन की तमाम सेटिंग्स आ रही होंगी जिनको आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के बाद लोकेशंस हैं और ये लोकेशन डिपेंड करती हैं जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ऑल दोज कैंपेन्स विच यू कैन एडिट ओवर है और उसके बाद लास्ट बटन है चेंज हिस्ट्री का चेंज हिस्ट्री के बटन के ऊपर इस अकाउंट रिलेटेड तमाम चीज़ें जो जो हो रही हैं या होती रही हैं वो सारी यहाँ अपीयर हो रही होंगी विच यू कैन एक्चुअली चेंज फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ अकाउंट बनाया है तो इस वजह से हमारी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ अकाउंट क्रिएशन की डिटेल्स आ, आ रही हैं और एक्सेस जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है गूगल एडवर्ट्स की तरफ से उसकी डिटेल आ रही हैं डैशबोर्ड ओवर लुक के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब अगर आप टॉप पे ऑल कैम्पेन्स के साथ देखें तो आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा जब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला जो डायलॉग बॉक्स है या बॉक्स विद ऑप्शन है वो डिसअपियर हो जाएगा अक्सर आप चाहते ही हैं कि आपको फुल स्क्रीन डैशबोर्ड मिले तो देन क्लिक ऑन दैट बटन एंड द व्यू ऑफ योर स्क्रीन इज गोइंग टू चेंज मुझे लेफ्ट साइड वाली ऑप्शन जो है वो पसंद है तो आई विल एक्चुअली रीएक्टिवेटेड एंड आई विल क्लिक दैट बटन सेम अगेन एंड द ऑप्शन विल अपीयर अगेन इन फ्रंट ऑफ मी अब हम आगे देखते हैं कि अगली डिटेल में ऑप्शन कौन कौन सी गूगल हमें एडवर्ट्स प्रोवाइड करता है राइट साइड टॉप पे गो टू का बटन है जब आप गो टू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू एनी पेज ये डायरेक्ट एक्सेस या शॉटर एक्सेस है एक पेज पे जाने के लिए उसके बाद गो टू के बटन के बाद हमारे पास है रिपोर्टिंग का यानी एनालिटिक्स का बटन जहाँ से आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल रही होंगी आपकी कैंपेन्स के बारे में आप जेनेरिक रिपोर्ट्स ले सकते हैं या डिफाइंड रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि जिसके अंदर जोग्राफिक से लेकर टाइम से लेकर डिफरेंट तरह की और ऑप्शंस गूगल हमें प्रोवाइड करता है जैसे जैसे आप कैंपेंस यहाँ रन करेंगे वैसे वैसे ये रिपोर्ट्स यहाँ जनरेट होती रहेंगी और आप इन रिपोर्ट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आप एक्सेस कर रहे होते हैं उनमें की की होती हैं सर्च टर्म्स की होती हैं पेड एंड ऑर्गेनिक की होती हैं फ्री क्लिक्स की रिपोर्ट्स आप अक्सर जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं और इसी तरीके से टाइम के हिसाब से भी आप जो है वो आवर ऑफ़ द डे से लेकर ईयरली तक अपने डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं इनसाइट्स के बटन के साथ है सेटिंग्स का बटन कि जिधर गूगल आपको तमाम टूल्स एडवर्ड रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ सबसे पहली और मेरी फेवरेट ऑप्शन जो है वो है कीवर्ड प्लानर की कीवर्ड प्लानर इज़ एक्चुअली ए मैजिक प्रोवाइडेड टू यू बाय गूगल एडवर्ड कोई भी कैंपेन रन करने से पहले यू कैन एक्चुअली राइट डाउन ए की इस पर्टिकुलर स्क्रीन में और उसको आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन पे एवरेज सर्चिज इन ए मंथ कितनी हो रही है उस वर्ड की वो आपको बताएगा कि वो कीवर्ड आपने अपनी कैंपेन में यूज़ करना है या नहीं करना फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ मार्केटिंग कोर्स तो देखते हैं कि गूगल का मैजिक किस तरीके से हमारे काम आएगा मार्केटिंग कोर्स टाइप करने के बाद जब मैंने एंटर दबाया तो वो कीवर्ड जो है इधर नीला हो गया अब गूगल के थ्रू हम इसको सर्च करके देखते हैं कि अगर मैंने ये मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड यूज़ करना है अपनी कैंपेन में तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा तो आई एल क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड ब्लू बटन एंड देन लेट्स सी द मैजिक ऑफ गूगल अब गूगल आपके सामने तमाम डाटा दे रहा है मार्केटिंग कोर्स और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स का साथ उसके ये भी बता रहा है कि एवरेज सर्चेज इन ए मंथ कितनी होती हैं इस कीवर्ड की अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मार्केटिंग कोर्सेज का टाइप किया था तो मार्केटिंग कोर्सेज की एवरेज मंथली सर्चेज जो हैं वो दस से सौ के दरमियान है और कंपटीशन उसके ऊपर मीडियम है कॉम्पिटिशन से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो नहीं इस पर्टिकुलर की को यूज़ करी इसी वजह से कॉम्पिटिशन यहाँ मीडियम है टॉप ऑफ पेज बिड की लो रेंज और हाई रेंज भी गूगल आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की लो रेंज एक सौ है और हाइएस्ट रेंज एक हज़ार एक सौ सत्तर है इससे बुरा देखिए गूगल ने अभी तक एक सौ की मिनिमम बिड इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अप्लाई की है और मैक्सिमम अभी तक एक हज़ार भी अप्लाई की है उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टॉप ऑफ द पेज पे लाने के लिए अब अगर आप इसके बाद देखें तो रेलिवेंट कीवर्ड भी गूगल मुझे प्रोवाइड करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो वो सौ से लेकर एक हज़ार लोग तक सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे और इसका कंपटीशन भी मीडियम है लेकिन इसकी जो लो रेंज है वो अट्ठाईस रुपये है और हाईएस्ट रेंज इसकी एक सौ पचहत्तर रुपये है अब हम ज़रा कीवर्ड को चेंज करते हैं और चेंज करके देखते हैं कि क्या डाटा उसके साथ चेंज होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस की को कैंसिल करूँगा और यहाँ टाइप करूँगा होटल्स इन लाहौर एंट्री का बटन दबाऊँगा और फिर गेट रिजल्ट्स के बटन पे क्लिक करूंगा अब आप यहाँ देखिए यहाँ मार्केटिंग कोर्सेज के केवर्ड से सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो होटल लाहौर की मंथली सर्चेज हैं वो दस से लेकर एक लाख तक हैं विच मीन्स लॉट ऑफ पीपल आर सर्चिंग होटल इन लाहौर इसकी नौ रुपये लो रेंज है बिट की और हाईएस्ट इसकी सेवेंटी फोर है कंपटीशन इसका मीडियम है इसके अलावा जो रेलिवेंट सर्चेज हैं उसमें चीप होटल्स इन लाहौर है उसमें फाइव स्टार होटल इन लाहौर है और इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स हैं जो गूगल आपको यहाँ प्रोवाइड करा है टोटल 586 ऑप्शंस कीवर्ड्स की मुझे गूगल यहाँ प्रोवाइड करके कर दे रहा है इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ टाइप करूँगा होटल्स इन दुबई तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे सामने आती हैं ओह ये क्या हुआ एवरेज मंथली सर्चिज़ एक हज़ार से दस हज़ार हैं जो होटल्स इन लाहौर की सर्चज़ से भी कम है ऐसे कैसे पॉसिबल है ये वाला प्रॉब्लम अक्सर आपके सामने भी आएगा और इसकी वजह यह है कि आप अभी करंटली जिस दिन बैठ के सर्च कर रहे हैं वो है पाकिस्तान और अगर आप टॉप पे देखें तो लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट हुई हुई है तो गूगल तरक्की का दरअसल आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं मंथली बेसिस पे जो होटल्स इन दुबई को सर्च कर रहे होते हैं इसकी वजह से इसकी सर्च आ, कम है अगर आप इसको चेंज कर दें और आप लोकेशन को वर्ल्ड वाइड कर दें या किसी और आ, लोकेशन को एंटर कर दें तो होटल्स इन दुबई की जो एवरेज मंथली सर्च है उसका नंबर कई हद तक बढ़ जाएगा और उसकी बिडिंग अमाउंट भी चेंज हो जाएगी और कॉम्पिटिशन भी उसका चेंज हो जाएगा कीवर्स के इस एरिए को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एरिया अलॉट आप यहाँ राइट साइड पे डिफरेंट बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कीवर्ड प्लान के अलावा हमारे पास लाइब्रेरी के ऑप्शन गूगल हमें प्रोवाइड करता है ये तमाम आपकी कैंपेन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ अपीयर हो रही होगी उसके बाद मेजरमेंट की ऑप्शन है जिसके अंदर आपका तमाम डाटा आ रहा होता है गूगल एनालिटिक्स से लेकर आपकी कन्वर्जन तक ये भी कैंपेन स्पेसिफिक है और फिर सेटअप के अंदर बिलिंग एंड पेमेंट्स जो हम पहले भी देख चुके हैं बिजनेस डाटा है अकाउंट एक्सेस है ये अकाउंट एक्सेस की इंफॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आप डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे सकते हैं अपने गूगल एडवर्ट्स के अकाउंट का और एक्सेस लेवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस आपने उसको एडमिन बनाना है स्टैंडर्ड है रीड ओनली है या ई ओनली है और आप यहाँ उनका ई एड्रेस लिख सकते हैं दे विल रिसीव एन इन्विटेशन सेंड इन्विटेशन के बटन के बाद और फिर वो जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उनका नाम भी यहाँ नीचे अपीयर हो रहा होगा अगर इसको मैं फेसबुक से कंपेयर करूँ तो ये पेज रोल्स वाला सेक्शन है फेसबुक में आपको याद है आपने पेज रोल्स के ऑप्शन को यूज़ करके लर्न किया था कि डिफरेंट लोगों को पेज रोल्स किस तरह दिए जा सकते हैं एग्जैक्टली exactly वही चीज़ गूगल एडवर्ड्स आपको यहाँ से अकाउंट एक्सेस के बटन से प्रोवाइड करता है अकाउंट एक्सेस के बाद के ऑप्शन अगर हम देखें तो वो लिंक्ड अकाउंट्स की है जिस जिसपे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स से लेकर डिफरेंट तरह की ऑप्शन गूगल एडवर्ड्स आपको प्रोवाइड करता है जिसमें यूट्यूब भी शामिल है सर्च एंड सोल भी शामिल है और थर्ड पार्टी एनालिटिक्स भी शामिल है यहाँ आप अपने यूट्यूब का अकाउंट फॉर एग्जाम्पल भी लिंक कर सकते हैं डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कहेगा एड चैनल ये हम अगले चल के ट्रू व्यू के सेशन के अंदर इसको लर्न करेंगे और हम अपनी कैंपेन को डिजाइन करेंगे तो दोस्तों ये था ओवर व्यू ऑफ द गूगल एडवर्ड्स इंटरफेस आप इन तमाम ऑप्शन को देखिए स्पेशली डाटा एनलिटिक्स वाली और कीवर्ड प्लानर को क्योंकि कीवर्ड प्लानर और डाटा एनालिटिक्स आप बहुत यूज़ कर रहे होंगे जब आप गूगल एडवर्ट इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इनको देखिए इनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब हम कैंपेन डिज़ाइनिंग शुरू करें और आपके पास डाटा रिसीव होना शुरू हो तो ये तमाम ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और आपको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी